प्रिय बच्चों, समदरिया स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुमन समदरिया स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आइए कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं। इस किताब का नाम व्याकरण एवं रचना है। इस किताब के लेखक अंशुमन त्यागी हैं जी हैं। इस किताब में कुल 28 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम भाषा एवं व्याकरण। भाषा जो होता है, मनुष्य अपने विचारों का आपस में आदान प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति अपने मन के भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति से प्रकट तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार ग्रहण करता है। यही प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव होता है। भाव तथा विचार प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे पर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार स्वयं ग्रहण करता है। वह उतने ही उत्तम ढंग से अपनी बात कहने में सफल होता है। इसलिए शुद्ध भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक, लिखित, सांकेतिक। पहले चित्र में आपको दिख रहा है मौखिक, जो गाना गा रहा है। दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है एक बच्चा लिख रहा है, वो लिखित। संकेतिक, संकेतों के द्वारा। मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसके जिनमें विचारों को बोलकर अथवा कहकर प्रकट किया जा सकता है, मौखिक भाषा कहलाती है। रेडियो तथा दूरदर्शन पर भाषा में इसी रूप से विचार प्रकट किए जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मौखिक रूप में ही शिष्य को ज्ञान देते थे। वाद विवाद तथा भाषण आदि भी मौखिक भाषा के ही रूप हैं। भाषा के इन रूप को कथित भाषा भी कहते हैं। पहले ऋषि मुनि जो हैं शिक्षा देते थे बच्चों को मौखिक रूप से, अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान देते थे। दूसरा लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों एवं भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। मुद्रण की सुविधा को जानने से भाषा के इस रूप का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों तथा शब्दों के मेल से लिखा गया भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। अक्षरों और शब्दों के मेल को मिलाकर जो लिखा जाता है वो क्या है? लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों एवं भावों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है, सांकेतिक भाषा कहलाता है। भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग हैं, अक्षर, शब्द और वाक्य। भाषा के 3 अंग हैं। और लिपि, विचारों अथवा भावों को जिन संकेतों अथवा चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें समूह को लिपि कहते हैं। जैसे मुंह से बोली जाने वाली का ध्वनि के लिए लिपि में का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक है। संस्कृत की भी देवनागरिक लिपि है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने तथा ठीक समझने के लिए प्रत्येक भाषा में शब्दों के प्रयोग के नियम बनाए जाते हैं।
इन नियमों के समूह को ही व्याकरण कहा जाता है। जो नियम बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसमें भाषा को शुद्ध बोलने लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण ना होता तो हम न शुद्ध लिखने और न शुद्ध पढ़ने और शुद्ध बोलने का भी न सीख पाते। व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण के भाग, व्याकरण को रचना के आधार पर निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है। व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार में व्याकरण के इन भागों में वर्णों के आकार, प्रकार तथा उच्चारण आदि के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण जो छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द, वर्णों से ही मिलकर क्या बनते हैं, शब्द। शब्द विचार, व्याकरण के इन भागों में शब्दों के आधार तथा उनकी बनावट के बारे में विचार किया जाता है कि शब्द को हम किस तरह से बनाएं और किस तरह से उन्हें जोड़ा जाए। शब्दों को, वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, तो उसको बनाने में जो है शब्दों पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य, और शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं, वाक्य। व्याकरण के इन भागों में वाक्य रचना के नियम पर विचार किया जाता है, उसको किस बनाना है उस पर विचार किया जाता है। भाषा विचार एवं भाव प्रकट करने के साधन है। भाषा क्या है, विचार एवं भाव को प्रकट करने का क्या एक साधन है। भाषा के तीन भेद हैं, मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराती है। व्याकरण के तीन भाग हैं, वर्ण, शब्द तथा वाक्य। वाक्य के खाली स्थान में ठीक शब्द भरे का भाव तथा विचार प्रकट करने के साधन है, भाषा कहलाता है। भाव तथा विचार प्रकट करने के साधन भाषा कहलाता है। खा है डैश, भाषा में बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं। मौखिक भाषा में बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं। गा, पुस्तकों में डैश भाषा का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। घा, डैश भाषा की लिपि देवनागरीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरीक है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। शुद्ध भाषा का ज्ञान आवश्यक है। शुद्ध भाषा का ज्ञान क्या आवश्यक है, ये क्या है, सही है। इसके सामने हम लगाएंगे सही का चिन्ह। खा, मौखिक भाषा में लिखकर विचार प्रकट करते हैं, गलत। मौखिक भाषा में हम लिखकर नहीं, बोलकर विचार प्रकट करते हैं, तो ये क्या होगा, गलत होगा। खा, भाषा के पांच अंग हैं, भाषा के तीन अंग हैं, ये भी गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। घा, व्याकरण के तीन भाग हैं, सही, व्याकरण के तीन भाग हैं। सही विकल्प पर सही लगाएं। का, भाषा है एक आदान प्रदान करने का साधन, अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने का साधन। व्याकरण के तीन भाग हैं, भाषा अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने का साधन है, सही है। दूसरा,
वर्णों के आकार प्रकार तथा उच्चारण का विचार किया जाता है। पहला शब्द विचार, वर्ण विचार में वाक्य विचार, इसका उत्तर सही होगा दूसरा। वर्णों के आकार प्रकार पर उच्चारण तथा विचार किया जाता है वर्ण विचार में। ग, व्याकरण हमें सिखाता है भाषा का शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध लिखना, भाषा का शुद्ध पढ़ना। भाषा का शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध पढ़ना, भाषा का शुद्ध लिखना। व्याकरण हमें तीनों चीज़ें सिखाती है, तो इसमें तीनों में सही होगा। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना भी सिखाता है, व्याकरण हमें शुद्ध जो है पढ़ना भी सिखाता है, और शुद्ध लिखना भी। दिए गए चित्रों चित्र जो है कौन सी भाषा का रूप है, लिखिए। लिखित भाषा, पहला क्या है, बच्चा लिख रहा है पहले चित्र में, तो उसमें होगा लिखित भाषा। दूसरा है सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या है, तीसरे चित्र में मौखिक भाषा। इस कार्य को आप लोग पूर्ण करके अपनी कॉपियों में लिखिए। धन्यवाद।